हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, इतना तो सभी लोग जानते हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। और इस समय मैंने एक नया काम किया है। गर्मी की वजह से मैंने अपने बाल कट करा दिए हैं, वो भी घर में। पार्लर भी नहीं गई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, मुझे धूप में बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं होता है। तो मैंने देखिए काफ़ी बाल कट कर दिए हैं और अब मैं चोटी भी नहीं कर पाती। अभी गीले हैं क्योंकि बारिश में भीगी थी तो, और मुझे बहुत गर्मी लगती थी क्योंकि मेरे बाल कमर से नीचे हैं तो बहुत ही गर्मी लगती थी। इस वजह से मैंने अपने बाल कट करा दिए हैं और अब जूड़ा बनाती हूँ या क्रेचर लगाती हूँ। तो मैंने अपनी बेटी से बोल के कट करवाए थे। मुझे मैंने कहा कि मुझे पार्लर भी बेटा नहीं जाना है और ऐसे ही आप घर में जैसे भी चाहे वैसे कट कर दो, मुझे कोई किसी को दिखलाना तो है नहीं। तो उसने अपने हाथ से कर दिए, लेकिन ठीक ठीक कट रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से मुझे और मैंने सोचा था कि मुझे रिलीफ मिलेगा अपने बालों से, और अब पहले से ज़्यादा मेरे लिए हेडक हो गया। हेडक ये कि अब ना मैं चोटी कर पा रही हूँ और ना जूड़ा अच्छे से लग पा रहा है। अगर जूड़ा लगाती हूँ तो वो बार बार खुल जाता है क्योंकि मेरे बाल मोटे हैं काफ़ी। तो ये क्रेचर लगाती हूँ, लेकिन ये क्रेचर काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये ठीक से बालों को कैच नहीं कर पाता है और ये बार बार ओपन हो जाता है और मेरे बाल खुल जाते हैं। और जब नाइट में होता है कि लगते हैं बाल सारे समेट लो कि बाल यहाँ नेक में चुभने नहीं चाहिए, लेकिन जब बाल मेरे नेक में चुभते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस वजह से मेरा और हेडक हो गया। मैंने सोचा था बाल कटा दूँगी तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिला और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और मेरी छोटी बेटी को लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनसे कहा पापू आपके बाल कटा दूँ? बोले नहीं मम्मा, मुझे ऐसे ही पसंद है। उनका बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे में वो पहनेंगी लहंगा। बोल रही थी मुझे लहंगा पहनना है या कोई न्यू ड्रेस, तो न्यू ड्रेस में मैंने उनके लिए कुछ मंगवाया है, लेकिन गर्मी के हिसाब से ही है तो मुझे कम पसंद आया, मैंने मंगवा लिया है। लेकिन हमने कहा चलो घर में कैजुअल में ऐसे घर में पहन लेना, तो उन्होंने मंगवा लिया है। और गर्मी में कॉटन कपड़े ही अच्छे लगते। इस समय आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे घर में कपड़े पहनने में कितना सफोकेशन होता है, इतनी गर्मी होती है। और जितने फटे पुराने कपड़े होते हैं मेरे, जितने ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब कपड़े हैं कॉटन के, कि मतलब उनको लगता है कि हटा दो, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ी सी गर्मी जब कम हो जाएगी तब इन कपड़ों के हटाऊंगी। और अभी भी मैं उनको पहन रही हूँ और मतलब पहन लेती हूँ कि मुझे लगता है कि जिनसे कंफर्टेबल फील हो, इसलिए मैं उन कपड़ों को पहन रही हूँ। मेरी बेटी कहेगी माँ इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखी हो और ये हटाती क्यों नहीं हो? मैंने कहा मुझे बहुत गर्मी लगती है, और मुझे क्या सभी को गर्मी लगती है। आजकल गर्मी की वजह से सभी बहुत परेशान रहते हैं, तो सभी लोगों को गर्मी बहुत लगती है। तो गर्मी में जो पुराने कपड़े होते हैं वो थोड़े से घिस जाते हैं और इस वजह से वो रिलैक्स फील कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और गर्मी को भी क्या करना है, इंजॉय कीजिएगा। मेरी छोटी बेटी बगल में खड़ी हुई है तो वो देखती रहती है। देखिए मैंने कहा, वो हंस के चली गई उधर। और वो उस दिन उसने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई थी यहाँ पर, उसको लगाना नहीं आता है, लेकिन मैंने कहा कि बेटा आप मेरे लगा दो, तो उसने लगाई थी। और उसको ओवर कॉन्फिडेंस तो इतना है, वो जिस दिन मदर्स डे था बोली माँ मैं आपको आज खाना बना खिलाती हूँ। मैंने कहा हाँ बाबू खिला दो। वो किचन में दौड़ के गई और कुछ गैस वैस खोलने लगी। मैंने कहा ये तो ब्लास्ट कर देगी। मैंने बड़ी बेटी से कहा इसको रोको, ये गैस खोल देगी। फिर उसने गैस बंद की, वो इस बात में भी वो गुस्सा हो गई कि मुझे खाना नहीं बनाने दे रही हो आप। हमने कहा बाबू एक पप्पी दे दो आप, मेरा मदर्स डे मन जाएगा। फिर उसने शाम को मुझे कुछ दिया था, क्या खिलाया था बाबू? कुछ नहीं, करे कुछ नहीं खिलाया था। तो उससे सूखा सूखा मदर्स डे उसने बनाया मेरा। ओके बाय।